जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुए थे उसका। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुआ था। 331 शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस हम अपने चैनल भगत सिंह जी की क्लास में करा दिए हैं। तो अगर आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर्स या एक्सप्लेनेशन देखना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें भगत सिंह जी के क्लास का। अगर इसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। आज देखेंगे 30/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न क्या है? क्या y ग्रेटर देन है जीरो का, y बड़ा है जीरो से, और वाक्य दिया हुआ है कि x प्लस y ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस y का मान दिया हुआ है जीरो से बड़ा, तो ये निश्चित नहीं है कि y से बड़ा होगा, ये निश्चित नहीं है कि y से बड़ा होगा। अब ऑप्शन नंबर दो क्या कर रहा है कि y माइनस x माइनस y ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि y का वैल्यू जीरो से बड़ा है। हो सकता है y का वैल्यू माइनस में हो, तो ना तो ऑप्शन एक ना ही तो ऑप्शन दो से पता चल रहा है कि y ग्रेटर देन होगा जीरो से, तो कोई भी पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना तो दो विकल्प पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। तीन डायग्राम दिया होगा, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। ये रहा डायग्राम। पहला कह रहा है कि पहला इस तरह है राउंड राउंड, तो ये तो नहीं होगा। अगला ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चार सही है, यह सबसे बड़ा हो गया वास्तविक संख्या, ये क्या हो गया वास्तविक संख्या, और इसके अंदर हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया ओ परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर चार सही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा सामान्य विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2018 के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो उस समय के लिए जीके है, तो पवन चामलिंग होगा। कौन होगा? पवन चामलिंग। अगला क्वेश्चन, सिल्वर और क्लोराइड के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा? तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। क्या कह रहा है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है? बिल्कुल सही है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, और क्वेश्चन में दिया है कि गलत कथन चुनना है, जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है, ये कथन गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर तब यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत चुनने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ए पाइप खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ए किसी टंकी को कितने 6 घंटा में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर 4 घंटा में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना घंटा में? 4 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि केवल बी पाइप को पहले खोला जाता है, 1 घंटा पहले खोला जाता है, तो उसके बाद दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, यानी कि बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टोटल टाइम पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम। तो यहाँ से एक घंटा का कार्य अगर निकालेंगे ए का, तो ए वन बाय सिक्स निकलेगा, और ए प्लस बी का निकालेंगे तो कितना आएगा, वन बाय फोर आएगा, वन बाय फोर आएगा। अगर सिर्फ बी का कार्य हम लोग निकाले तो सिर्फ बी का कार्य तो निकाल सकते हैं। ए के कार्य में इन दोनों का कार्य को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय ट्वेल्व, वन बाय सिक्स माइनस वन बाय फोर, लघुत्तम ले लेंगे कितना हो गया, बारह, एक गया दो, एक गया तीन, एक बटा बारह। यानी कि बी अगर भरेगा तो अकेला भरने में कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। अब कह रहा है कि तो बी का एक बटा बारह भाग भरेगा तो एक घंटा में कितना भरेगा, एक बटा बारह भाग हो गया। और टोटल काम मेरे पास कितना था, तो टोटल काम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल क्या था, वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्स या वन बाय ट्वेल्व कर दीजिए तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यानी कि 1/12 टोटल काम कितना था, 12, उसमें से इसने 1/12 काम कर दिया। 1/12 काम किसने कर दिया, बी ने कर दिया पहले घंटे में। तो कितना काम बचा होगा, एक में 1/12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11/12 काम बचा हुआ है। अब 11/12 काम करेगा कौन, तो दोनों मिल के करेगा 11/12 काम। और दोनों मिल के जब करता है तो एक घंटा में कितने काम करता है, 1/4 दोनों मिल के जब करता है तो क्या हो जाएगा, 1/4। इसी को सजा देंगे, क्या हो जाएगा, 11/12 गुना एक, चार कहाँ चला जाएगा, ऊपर, चार से कितना बार में कटा, तीन बार में। तो ये टोटल कितना ले लेगा, 3/11 घंटा। दोनों मिल के कितना ले लेगा, 3/11 घंटा। और पहले से ही एक घंटा पहले से ए बी किया हुआ था, और बी प्लस ए मिलकर कितना घंटा काम किया, 3/11। अब इसी का जोड़ देंगे तो टोटल घंटा लघुत्तम हो गया 3, लघुत्तम हो गया कितना, 3, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 + 11 कितना आ गया, 14/3। 14/3 को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 घंटा बचा कितना, 2 घंटा, 2 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट / 3 कितना बार में, 40 बार में। 4 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा टैंकी को फुल भरने में, कितना घंटा समय लगेगा, 4 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेलवे के द्वारा इसका आंसर गलत लिया गया है। अगला क्वेश्चन 96, 156 और 60 का एससीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक, एससीएफ क्या होगा, हायर कॉमन फैक्टर। तो क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका, पहले दो छोटे छोटे डिजिट को उठाते हैं, इसमें से दो छोटे दिए हुए छोटे, जैसे 96 को 60 से डिवाइडेड करेंगे तो एक बार में कितना गया, 60, बचा कितना, 36, फिर 36 से भाग देंगे किसमें, 60 में, एक बार में कितना आ जाएगा, 36, फिर बचेगा कितना, 24, फिर 24 से भाग किसमें देंगे, 36 में, तो एक बार में 24, फिर बचा कितना, 12, ठीक है, फिर कितना, 24 में 12 से भाग देंगे, कितना बार में गया, 2 बार में, तो ये 12 बचा, अभी ये 12 से 156 में भाग दे देंगे, उसमें से लार्जेस्ट जो बचा रहेगा उसमें से भाग दे देंगे, 156 भागा 12 कितना बार में, 13 बार में, कितना हो गया, 156 13 बार में, तो ये जो 12 हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा, हायर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ऐसे सबसे बड़े शब्द हैं, अंक हैं जो इस तीनों में से भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति है कहाँ से चलना शुरू करता है, ओ से, ये बिंदु क्या है, ओ से चलना शुरू करते हैं, ए बिंदु पूर्व की ओर बोलता है तो इधर ए की ओर चलता है, ठीक, और कितना चलता है, 20 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर बोले तो नीचे की ओर मुड़ना है, अगर आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और बोले दाएं मुड़ना है तो आप किस ओर मुड़ेंगे, नीचे की ओर, दाएं मुड़ता है और बिंदु बी में पहुंचता है, और ये 10 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक है,
किलोमीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और दाएं मुड़ने की ओर लिए कह रहा है तो आप किस ओर की दिशा को चुनेंगे, तो पूर्व की दिशा, पश्चिम की ओर की दिशा को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पहुँचता है बिंदु सी पर, सी पर पहुँचता है और इसके लिए कितना चलता है, 9 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर कह रहा है कि दाई ओर, अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दाई ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप उत्तर दिशा की ओर फेस करेंगे। यात्रा करता है और डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, कितना, 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि पश्चात बाईं ओर मुड़ता है, अगर आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और बाईं तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप पश्चिम की ओर फेस करेंगे, पश्चिम की ओर फेस करेंगे और वह 12 किलोमीटर चलता है। और कहाँ पहुँचता है, बिंदु ई पर पहुँचने के पश्चात फिर कहता है कि दाईं ओर, अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दाईं ओर मुड़ना कर रहा है तो फिर आपका फेस किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो पहुँचने के लिए तो क्या कर रहा है कि एफ बिंदु पर पहुँचने के बाद की यात्रा करता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, जब उत्तर दिशा की उत्तर की ओर जब पहुँचा तो ये फेस कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ई का फेस अभी किधर है, उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर की ओर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था देखने में, क्वेश्चन में दम नहीं था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। क्या कह रहा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, कहता है कहाँ पे उसका विघटन होता है, तो ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजेबल बाय 9, 9 से किस में भाग लगेगा। तो 9 में भाग लगने का शर्त क्या है कि जितने भी अंक दिए हुए हैं इसके प्लस करने पर ये 9 से कट जाना चाहिए पूरी तरह से। जैसे देख लेते हैं, 4 + 7 + 8 + 6 + 2 सबको जोड़ देंगे, 11, 8, 19, 19 से 25, 2, 27 जो है 9 से कट जाता है। तो ये भी संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। सबसे कटने का डिजेबल का रूल पता होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो बारी बारी से आप भाग देंगे उसमें बहुत सारा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगमा भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में किसके लिए सरलता से प्रयोग योग्य में ई पुस्तकालय सुगमता पुस्तकालय की शुरुआत की है, तो दिव्यांग के लिए किया गया है जिसका दिखाई नहीं देता है। ऐसे नीचे दिए गए श्रृंखला का अंतिम आधे भाग को उलट पलट करने के बाद 8वां पद क्या होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ये जितने भी अंक दिए हुए हैं इसको गिन के आधा से डिवाइड कर देना है और आधा को पलट देना है, आधा को पलट देना है। जैसे यहाँ तक U तक आएगा, कहाँ तक आएगा, U तक, ये टोटल कितना है 19, तो 8 का तोड़ेंगे U, तो U कहाँ से लिखेंगे, U इधर लिखेंगे, फिर उस U के बाद क्या है, J, Z, T, @AQFD% इस तरह है। अब इधर से 8वां कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है, 8 कौन होगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8वां हो गया, 8वां कौन हो गया, F, F क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो तेज लड़का होंगे इसे पलटने की भी ज़रूरी नहीं है, इसे सिर्फ गिन लेंगे कि कितना है, मान लेते हैं कि U तक आया तो U तो इधर आ जाएगा, तो इधर से 8वां गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह भी क्या आएगा, राइट आंसर F ही आएगा। तो इसको फिर पलट के लिखने में ज़्यादा समय लगेगा और एग्जामिनर चाहते हैं कि बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको पास कराने के लिए नहीं, आपको रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए कुछ अपना टाइम निकालना होगा।
यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। कथन क्या है, दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपरिवर्तित रही है। अपरिवर्तित का मतलब नो चेंज, क्या नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अवधारणाएं क्या कर रहा है, प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। हो सकता है दिल्ली छोड़कर कहीं और बदला हो, यूपी बदला हो, महाराष्ट्र बदला हो, वो नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 2, 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमत उनके वर्तमान मूल्य से भिन्न था। बिल्कुल सही है कि अगर 2 सप्ताह से टमाटर का मूल्य अपरिवर्तित है तो 2 सप्ताह से पहले ज़रूर इसका दाम बढ़ा या घटा होगा। तो ये दोनों ही क्या है, निश्चित तौर पर सही है। अब धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र की खाली जगह को भरे। तो इसमें फिट करना है, इसमें क्या आएगा, तो ये ऑप्शन देख के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी देखिए परफेक्ट बैठेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचनाएं तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं। कहता है जिसकी समान संरचना हो तो लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समरूप अंग। समरूप अंग, जैसे चमगादड़ का पंखा हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया, ठीक है, बिल्ली का पंजा हो गया, बिल्ली का पंजा हो गया, घोड़ा का अगला टांग हो गया, मनुष्य के हाथ हो गए, ये सब क्या है, समरूप अंग हैं। अगला क्वेश्चन, एक परिवार ने एक महीने में 320 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया तो जूल में कितनी होगी। तो 320 यूनिट, एक जूल का वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल, एक यूनिट, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना था, राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 320 × 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1152 × 10⁶ जूल। कितना आ जाएगा, 1152 × 10⁶ जूल। कुछ करना नहीं था, एक जूल का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू हमें पता है 3.6 × 10⁶ होता है, तो 320 यूनिट था तो उसी से मल्टीप्लाई कर देना था, उसी से क्या कर देना था, मल्टीप्लाई कर देना था। अगला क्वेश्चन, यदि कॉट अल्फा इजकल टू √1 है तो टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/cot अल्फा, 10 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cot अल्फा, इधर क्या है माइनस कॉट अल्फा अवेलेबल ही है, तो इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, 10 को कन्वर्ट कर दिए कॉट पे, 10 को कन्वर्ट कर दिए क्या चीज़ में, कॉट पे। तो अब क्या होगा, अब जब कन्वर्ट कर ही दिया तो सबका वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है, तो ये क्या हो गया, 1/cot अल्फा - cot अल्फा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cot अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा, यहाँ पे -1, cot cot कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, cot × cot, cot
स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा कॉट अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये एक है तो एक, और टेन, टेन अल्फा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट टू प्लस वन, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, नीचे में भी क्या है, अंडर रूट टू प्लस वन। ठीक है, अब यही है तो इसका वैल्यू रख दिया, अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर दिया तो एक और टेन प्लस अंडर रूट टेन प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस टू अंडर रूट टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, नीचे क्या है, टू अंडर रूट टू प्लस वन, अंडर रूट क्या है, टू प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा थ्री, ये टोटल कितना हो गया थ्री, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टू प्लस वन अंडर रूट टू प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट टू प्लस वन थ्री माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू, सिर्फ उसे कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में किससे बनी हो, एक मिश्र धातु है, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता जेड एन का मिश्रण है। कॉपर की बात करें तो इसमें कॉपर कितना परसेंट रहता है, तो 70% रहता है, बाकी क्या रहता है, 30% जस्ता रहता है, कॉपर हो गया तांबा, जस्ता हो गया जेड एन। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, तांबा और टीन का बात करें, ये पहला ऑप्शन की बात करें, तो तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है, कांसा बनता है, क्या बनता है, कांसा, जिसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। इसमें तांबा रहेगा 90% और टीन रहेगा 10%, टीन कितना परसेंट रहेगा, 10% रहेगा, ये क्या बन जाता है, कांसा। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम बन के क्या बनता है, तांबा और एल्युमिनियम बन के ही बनता है रोल्ड गोल्ड, क्या बनता है, रोल्ड गोल्ड, सोना जैसा दिखाई देता है, जिसमें तांबा रहता है 90% और एल्युमिनियम रहता है 10%। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रोल्ड गोल्ड, नकली सोना भी कहते हैं। लोहा और तांबा मिलके क्या बनेगा, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कड़ाई कोण एबी बराबर 10 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 6 सेंटीमीटर, सीडी बराबर इतना, कोण ए समद्विबाहु विभाजित करने वाली रेखा है आंतरिक रूप से बीसी पर, कराए कौन ए किसको विभाजित करती है, बी सी को, समिति विभाजित मतलब दो बराबर बराबर भागों में। ठीक है, बी सी को विभाजित करता है डी पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है बी डी का मान दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, सी डी का मान दिया हुआ है कितना 7.5, तो पूछा है ए सी का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, समिति विभाजित करता है तो इसके लिए फार्मूला होगा ए बी बटे बी डी ए बराबर ए सी बटे डी सी। अब यहाँ पर सारे का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ए बी का मान कितना है 10, ठीक है, बी डी, बी डी का वैल्यू कितना है 6, इधर क्या हो जाएगा ए सी, ए सी का वैल्यू पता नहीं तो निकालना है ए सी बटे सी डी, सी डी का वैल्यू कितना है 7.5। अगर इसको हम यहाँ से ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 × 7.5/6, ए चला गया 5, ए चला गया 3, 3 से कटाएंगे 2.5, 2.5 × 5 करेंगे तो कितना 12.5, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा।
तो मेन फार्मूला ये था, ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से भारत की बाएं हाथ की कौन सी महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC द्वारा घोषित वर्ष की दोनों एक दिवसीय ODI और T20 में आने वाली एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो वो कौन है? एकता विशिष्ट। ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये उत्तराखंड की खिलाड़ी है, उत्तराखंड की अल्मोड़ा जिला से। कौन जिला? अल्मोड़ा जिला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जीना अपने माँ से 24 वर्ष छोटी है, 8 साल के बाद 8 वर्ष के बाद उनकी माँ की आयु उनकी आयु का 5/3 गुना हो जाता है, 5/3 गुना हो जाएगा। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? माना कि उसकी माँ का आयु कितना है, माँ का आयु है 100 वर्ष, तो जीना का आयु क्या हो जाएगा? जीना का आयु हो जाएगा X-24 हो जाएगा। अब क्या करें क्वेश्चन से, 8 वर्ष बाद का मतलब होता है प्लस, तो 8 वर्ष बाद उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा? X+8, और जीना की आयु कितना हो जाएगा? X-24+8+8। अब यही कराए कि कितना गुना आ जाएगा, 5/3, 5 में इससे गुना, 3 से यहाँ गुना, तब इसी को गुना कर देना है, कितना हो गया 3X+24=, ये कितना हो गया, -24 में 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 5X हो गया, 5X, अब माइनस कितना हो गया, 16 गुना 5 हो गया 80, 16 गुना 5 कितना हो गया 80। अब इसी दोनों को सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3X, यहाँ पे 5X, 5X बड़ा है और इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2X हो जाएगा, और इधर है -80, इधर से जाएगा +24, तो उधर जाके भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा -104। तो अब यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 104 कितने बार में कटेगा, तो से तो 52 बार में, कितने बार में कटेगा, 52 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 52, ठीक है, यानी कि उसकी माँ का आयु कितना था, 52 वर्ष था, और जब वो अपनी माँ से कितना वर्ष छोटा था, 24 वर्ष, तो 52X-24, तो 52 में 24 घटा देंगे, 52 में कितना घटा देंगे, 24 से कितना हो जाएगा 28, तो जीना की वर्तमान आयु कितना है, 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही है, 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार वाले परमाणु कौन है? निम्नलिखित में यानी कि यहाँ जो बर्चेंड में दिया गया उसमें क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, जिसका त्रिज्या सबसे बड़ा होगा उसका परमाणु आकार भी बड़ा होगा। जया और विजय के भार का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 4:5, उनके द्वारा उनके भार का योग कितना है, 72 kg हो, तो विजय का भार, विजया का भार कितना है, तो जया और विजया का दिया हुआ है कितना, 4:5 दिया हुआ है, इसी का वेट कितना है, 72 kg, तो वेट में क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, 9 से इसको क्या कर देना है, भाग दे देना है, कितना आ गया 8, 1 का वैल्यू 8, पूछा किसका, विजया का, 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 8 कितना हो गया, 40 kg, अगर इसका पूछता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 32 kg, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 kg। बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।